बच्चे मुस्तकबिल के मैमार होते हैं, पर पाकिस्तान में आज भी ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मुआशरे के धुतकारे हुए हैं, जिनके घर नहीं, मुनासिब खुराक नहीं, पहनने को कपड़े मयसर नहीं और तालीम हासिल करना जिनके लिए ख्वाब है। तारे जमीन ये मुल्क के माशी हब के तौर पर पहचाने जाने वाले शहर कराची का पोश इलाका डिफेंस है, जो भीख मांगने वालों की जन्नत समझा जाता है। कराची के गरीब आबादियों से सैकड़ों की तादाद में मर्द, औरतें और खास तौर बच्चे इस एरिया में आकर चौराहों पर भीख मांगते हैं या मार्केट्स और घरों के सामने कचरे से गत्ता और दूसरी चीजें चुन चुन के फरोख्त करके अपने समेत अपने खानदान की किफालत करते हैं। कराची के अक्सर इलाकों में सुबह आम तौर पर दोपहर से शुरू होती है, जबकि उनकी शाम रात से शुरू होकर रात के पिछले पहर तक चलती है, जिस दौरान भीख मांगने वालों के लश्कर रोडों, चौराहों और महंगे होटल्स और कैफेज के सामने पहुंच जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल जाने वाली उम्र के सैकड़ों बच्चे हाथों में कलम के बजाय कचरा उठाने की बोरियां लेकर अपने अपने काम से लगे नजर आते हैं। मुल्क खास तौर पर सिंध सूबे में बुनियादी तालीम लाजमी होने के साथ साथ मुफ्त की गई है, लेकिन अमल ना होने और गुरबत अफलास समेत दीगर मसाइल की वजह से सूबे के लाखों बच्चे जबरी मशक्कत करने पर मजबूर हैं। ऐसे बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक है, वो भी कचरा चुनने वाली जिंदगी से निकलकर मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ये जिम्मा ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम ने अपने सर उठाया है और गली कूचों में भीख मांगने वाले, कचरा चुनने वाले, गैराजों और होटलों पर मुशक्कत करने वाले बच्चों को तालीम दे रही है। कराची के पोश इलाके डिफेंस के बदर कमर्शियल के फुटपाथ पर चलने वाला ये एक नॉन फॉर्मल फुटपाथ स्कूल है, जिसमें गली कूचों और चौराहों पर भीख मांगने और सिग्नल्स पर बड़ी गाड़ियों के शीशे साफ करके चंद सिक्के हासिल करने वाले कम उम्र बच्चों को बुनियादी तालीम दी जा रही है। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों। मशहूर दरगाह अब्दुल्ला शाह के मजार के करीब बहरिया ब्रिज के नीचे कायम करदा स्कूल समेत इसी तंजीम के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे तीन स्कूल बयक वक्त चलते हैं, जहां सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ओशियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने फुटपाथ स्कूल आखिर क्यों खोले, कैसे ख्याल आया? तंजीम की सदर अनफास अली शाह बताती हैं। काम तो हम गुज़िश्ता 5 साल से कर रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन APS के हादसे ने पाकिस्तानी आवाम को बहुत सदमा पहुँचाया। हमारे प्यारे बच्चे दहशतगर्दी का शिकार हुआ गए, इनका कसूर कोई कसूर ना था। इस हादसे ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम सड़कों पर और फुटपाथों पर आएँ और स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना शुरू करें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो स्कूलों से बाहर है, और वक्त के साथ ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। दहशतगर्द और क्रिमिनल बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं और अपने मकरूह अजायम पूरे करते हैं, क्योंकि ये बच्चे मुख्तलिफ काम करते हैं और इसीलिए ये सुबह के औकात में या एक प्रॉपर स्कूलिंग की तरफ नहीं जाते। मुख्तलिफ NGOs और गवर्नमेंट इन बच्चों पर काम तो कर रही है, लेकिन फिर भी इनके तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कि वो लोग उस तरीके से इन बच्चों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे जिस तरह करने चाहिए।
क्योंकि ये इनके साथ माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये और आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाते। एनजीओस और गवर्नमेंट ज़िद पे अड़ी हुई है कि ये बच्चे आम बच्चों की तरह स्कूल आएँ, इसी वजह से मुसलसल जो है इसमें नाकामयाब है। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने सोचा कि हम ये ज़िद ख़त्म करते हैं और ख़ुद इन बच्चों के पास जाते हैं, इनको सड़क पे, फुटपाथ्स पे, जहाँ पे भी ये ज़्यादा तादाद में है वहाँ पे जाएं और इनको एजुकेटेड करें, इनकी काउंसलिंग करें और जो भी गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में इनको लोग मुलव्वस करते हैं उससे उनकी जान छुड़ाई जाए। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये। गलियों, चौराहों और फुटपाथ पे ज़िंदगी बसर करने वाले ये बच्चे इतने तो बेबस और महरूम होते हैं जो माफियाएं उन्हें इस्तेमाल करती हैं। कई बच्चे तो दहशतगर्दों के हाथ भी लग सकते हैं। अनफास का कहना है कि इन बच्चों को पढ़ाने का मकसद इन बच्चों को दहशतगर्दों समेत माफियाओं से बचाना है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले साबुन से उनके हाथ धुलाए जाते हैं, जिसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में हजारों स्कूल हैं, जहां बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, पर उसी लेवल की एजुकेशन इन बच्चों को फुटपाथ पे दी जाती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन को इकट्ठा करना और तालीम देना कितना मुश्किल है। मुझे फैमिली से भी काफ़ी सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मदर और फादर शुरू से ही, मेरी दादी जो खुद भी सोशल वर्कर थी, वो डॉक्टर थी, लेकिन सारी ज़िंदगी इंटीरियर सिंध में उन्होंने काम किया, तो घर से भी देख रही थी। लेकिन बहरहाल और जो हमारे रिलेटिव, उन्होंने काफ़ी बातें बनाई। बीघा सैयद मुझे बहुत ताने मारते हैं कि तुम सड़कों पर जाके हमारी इज्जत ख्वार करती हो, तो वो तो सब देखना पड़ता है। लेकिन जो कॉज मेरे आगे, जो ज़िंदगी इनकी है, वो इन बातों के आगे कुछ नहीं है। लोगों का ये है कि माशाल्लाह और तारीफ़ तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे सपोर्ट हमें कोई सजेस्ट नहीं कर रहा। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कितना अहम है इन बच्चों के साथ काम करना, ये कितनी अहम चीज़ है। आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स के ऊपर हैं। जब तक इन 2.5 करोड़ बच्चों के ऊपर आप तवज्जो नहीं देते, आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी बना लें, कोई फायदा नहीं है। इन फुटपाथ स्कूल में ना सिर्फ मुआशरे के धुतकारे हुए मेले कुचेले बच्चों को तालीम दी जाती है, बल्कि उनके खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है और रोजाना की बुनियाद पे जेब खर्च भी लिया जाता है। फुटपाथ स्कूल का अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल भी ले जाया जाता है। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, न
नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाइए तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरने उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाइए तारे जमीन जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की लहर है खो न जाए इस नॉन फॉर्मल फुटपाथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जो खुशियों से महरूम हैं और तंजीम मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद करके उनके उदास चेहरों पे रौनक भी लाती है। कराची जहां अमीरों की बादशाही है तो वहां माफियाओं का भी राज है। गली कूचों और रास्तों पे कमसन लावारिस बच्चों को वो माफियाएं ड्रग जिंसी क्राइम और मंशियात समेत दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स को तो इनके कोई ख्याल ही नहीं होता और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स है ही नहीं लावारिस हैं कुछ को तो पता ही नहीं माँ बाप हमारे कहाँ हैं। कुछ के रिश्तेदारों ने इन्हें ठेकेदारों के हाथ ये हर जगह एक ठेकेदार होता है जिनके अंडर में ये बच्चे काम करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ें जाहिर है उनके पैसे रुकते हैं इस चीज़ से। और इस माफिया में आप बिल्कुल ग्रास रूट पर चले जाएं तो होटल्स पे काम करने वाले जो होते हैं वेटर्स होते हैं उनसे लेके बहुत हाई अपर क्लास में आप चले जाएँ वहाँ तक के लोग शामिल हैं। बहुत मजबूत जो है इनका माफिया है जिससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल के बाद है इवन कि हमें लाइफ थ्रेट है बहुत ज्यादा। ड्रग और क्रिमिनल सरगर्मियों में ऐसे बच्चों को इस्तेमाल करने वाली माफियाओं ने फुटपाथ स्कूल खोलने पर क्या रद्दअमल दिया। ये बच्चे रोडों पर ही पाए जाते हैं ये खुले हैं बिल्कुल खुले बच्चे हैं जब घरों में रहने वाले बच्चे आपको पता है आए दिन किसी न किसी खराबी का सामना करते हैं तो इन बच्चों के लिए क्या है। ये हर तरह से अब्यूज होते हैं ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है क्राइम्स में इस्तेमाल किया जाता है और जिंसी हरासमेंट इनके साथ की जाती है। अगर ये पढ़ने की तरफ आ जाएंगे और एक बेहतर तौर पर चल पड़ेंगे तो जाहिर है इन चीज़ों से हटेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इन्हें ड्रग्स से हटाएं अगर इनके साथ कोई जिंसी इतहसाल कर रहा है तो उससे बचाएं जराइम के खिलाफ हम इनके साथ खड़े होते हैं तो हम पूरा शेल्टर देते हैं पूरी सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से ये फिर उन लोगों को ना कहते हैं और जब वो ना कहते हैं तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं है। अनफास बताती हैं कि जिंदगी को शदीद खतरा होने के बावजूद स्कूलों का अमल जारी रखे हुए हैं। मुझ पर पत्थर और कचरा फेंका गया मुझे पत्थर मारे इसी जगह पे ऊपर चढ़ के बिल्डिंग के कि किसी तरह कचरा फेंकते हैं हम पे कि किसी तरह हम
छोड़ दें बच्चों को ना पढ़ाएं। फुटपाथ स्कूलों में दूर दराज इलाकों के मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले बच्चों को बुनियादी तालीम देने के लिए मेगा सिटी कराची की स्टूडेंट्स भी अनफास का हाथ बटा रही हैं। पैर होके खुद यहाँ पढ़ाने आए हैं, जो हम लोग ने तालीम हासिल की है, हम चाहते हैं कि हम भी बच्चों को आगे तालीम दें। आला तालीम हासिल करने के दौरान वक्त निकाल के फुटपाथ स्कूलों में मेले कपड़ों, बिखरे बालों, नंगे पांव बच्चों को पढ़ाने का ख्याल कैसे आया, इस हवाले से पैथोलॉजी और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बता रही हैं। मेरा ये है कि अपना खुद से तालीम हासिल करके बैठना घर में नहीं, क्योंकि अपनी तालीम बच्चों को स्प्रेड करूं, मुझे ये अच्छा लगता है कि खुद अपनी तालीम तो सब हासिल करते हैं लेकिन अपनी तालीम बच्चों को पहुंचाए ताकि बच्चे कुछ हमसे फ़ायदा उठा सके। तो इस यही मिशन है मेरा और यही मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। मैंने ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में बहरिया यूनिवर्सिटी से। मुझे ये लगता है कि जो प्रोग्राम है ये हम सब यूथ के लिए एक एक्शन दिखाने का एक वे है, एक मीडियम है। हम तो सिर्फ बोलते रहते हैं कि हमें चेंज चाहिए, हमें बच्चों के लिए काम करना है या कुछ चेंज देखना है उनको एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो मैं आई बिलीव इन एक्शंस, तो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन दिस कैंपेन टू टीच देम टू लर्न अबाउट देयर मेंटल कैपेसिटी एंड हाउ दे आर डूइंग इट। तालीम जैसे अहम जेवर से कोसों दूर सुबह से शाम और शाम से रात गए तक कचरा चुनने और भीख मांगने वाले बच्चों को फुटपाथ स्कूल में तालीम देना कितना मुश्किल है, ये टीचर बता रही हैं। आसान नहीं होता है पढ़ाना, क्योंकि यहाँ जो सारे लड़के आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं और दूसरे बच्चों को सताते हैं, कहते हैं कि पढ़ो नहीं, आगे जाके तंग करते हैं, उनको पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं कि वो लोग हट जाएं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों को आराम से बिठा के पढ़ाएं। मुश्किलात घर से तो इतना नहीं होती, यहाँ बहुत सी मुश्किलात होती है, लोगों की कमेंट्स बहुत गंदे कमेंट्स लोग पास करते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं यहाँ के लोग। ओशियन वेलफेयर की जानिब से चलने वाले फुटपाथ स्कूलों के बच्चे अब हमारे फैमिली मेम्बरान जैसे हैं, तंजीम के वाइस चेयरमैन बता रहे हैं। मसले तो यूँ समझे कि पहाड़ जैसे हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो मसले आस्ते आस्ते लोग भी हमें देख रहे हैं। पहले कुछ और नज़रों से देखते थे कि पता नहीं क्या करने आए हैं, लेकिन अब उनके भी ख्याल चेंज हो रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो क्योंकि जिस तरह टाइम गुजर रहा है, इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जगह पर हम अपनी जगह पर बैठे। आप यकीन करें इन बच्चों से हमें कुदरती प्यार हो गया है। हम इनके हाथ धुलाते हैं, इनको ये कि टूथपेस्ट वगैरह देते हैं, नेल कटर देते हैं, अच्छा इनके सरों पर दो दो तीन तीन मरतबा हाथ फेरते हैं। इतने कुदरती इनके साथ अटैचमेंट हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुआशरे में बराबरी देखने वाले, ख्वाब आंखों में सजाने वाले लोग चाहते हैं कि सरकार हर बच्चे को तालीम नहीं दे सकती तो ऐसे लोगों की मदद करे जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना आज, अच्छी जिंदगी और समाजी ताल्लुकात मुतासर करके अपना टाइम ऐसे बच्चों के लिए वक्फ कर रहे हैं। मुझे ये पता चला कि ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों पर काम कर रही है कि जो फॉर्मल एजुकेशन के नेट में नहीं है। इतना मुस्तहसन कदम है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये बच्चे असल हमारे लिए चैलेंज हैं और अगर उस चैलेंज को हम कबूल ना करें तो हम चाहे कितनी आसूदा ज़िंदगी, मसरूर ज़िंदगी, शादा ज़िंदगी गुजारें, मगर ये वो कांटे हैं कि जो हमारे ज़मीर में और हमारे हिस में चुपते रहेंगे अगर हम इन कांटों को ना निकाल के फूल ना बना पाएं। तो ज़रा सोचिए, क्या उन बच्चों का मुस्तकबिल आपको प्यारा नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसे लाखों लावारिस, नादार, यतीम और मिस्कीन बच्चे माफियाओं के आलायकार बनने से बच सकें और सोसाइटी में कारामद शहरी का किरदार अदा कर सकें? तो आइए ऐसा अच्छा काम करने पर ओशियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बटाएं। जो जगह थी वो